हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सारे के सारे? बढ़िया हो? शानदार हो? सो गाइस, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 का अनअकैडमी प्लस पे मैं आप लोगों के लिए बैच लेके आया हूं, टीयर 2 या एसएससी सीजीएल मेंस। और एक कंबाइंड बैच हम लेके आए हैं जिसमें मैथ्स आपको अभिनय सर पढ़ाने वाले हैं और इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और मेरा जो कोर्स है बच्चों, मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के अलग अलग पार्ट्स पे काम करने के हिसाब से बनाया है ना। तो मैं जो इस कोर्स में ये जो कोर्स मैं लेके आया हूँ मेरा एसएससी सीजीएल टीयर 2 का, इसके पहले फेज में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ग्रामर के कवर कराऊंगा। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं बता दूं आप लोगों को। मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा, प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा, वॉइस पढ़ाऊंगा और नरेशन पढ़ाऊंगा। कारण ये है, आप लोगों को पता है बच्चों की वॉइस और नरेशन से ऑलमोस्ट 40-45 क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत ही डेप्थ में हमें वॉइस और नरेशन के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, है ना। जैसे कि क्वाजाई पैसिव क्या होता है, जैसे कि हम बोलने में तो उसको क्वासी पैसिव बोलते हैं, लेकिन क्वाजाई पैसिव का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो आप लोगों को आना चाहिए, है ना। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब बात होती है टीयर 2 की, एसएससी सीजीएल टीयर 2 की मेंस की, है ना। ऐसे ही नरेशन में भी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं या जिनमें दिक्कत होती है। तो 5 टॉपिक तो मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो बेसिक टॉपिक है जैसे कि नाउन प्रोनाउन, मेरे को नहीं लगता कि अगर आप टीयर 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वापस से पढ़ने की जरूरत है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, इन टॉपिक्स को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आर्टिकल्स, मैंने 5 टॉपिक डिसाइड किए हैं जो मुझे लगता है कि बच्चों को एक बार मैं और इन डेप्थ में जाके पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। वर्ब हो गया और नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है। इसके अलावा प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि क्लोज टेस्ट ले लो, फिलर ले लो और एरर इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन ले लो, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और मुझे आप लोगों को अच्छे खासे 200-250 क्वेश्चन जो है वो वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करानी है ना। तो अगर एक अच्छे लेवल की जिसे आप लोग हिंदी फिक्स प्रेपोजिशन बोलते हो, तो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेपोजिशन मैंने लिया है क्योंकि वो वाव वाला पार्ट जो बच्चों का कमजोर रह जाता है। और इसके अलावा वॉइस और नरेशन लिया, तो ये 5 टॉपिक मैंने लिए। नॉन फाइनाइट वर्ब्स बच्चों को आती नहीं है, जेरंड इन्फिनेटिव में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। वो 5 टॉपिक लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि सर केवल ये 5 टॉपिक ही पढ़ेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, इसके अलावा मैं क्लोज टेस्ट, जंबल सेंटेंस और पैसेजेस के भी स्पेशल सेशंस लूंगा आप लोगों के लिए, जहां पे आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे अप्रोच करना है क्लोज टेस्ट को, जंबल सेंटेंस को और पैसेजेस को, है ना। ये मेरा पहला कोर्स है सीजीएल मेंस को लेकर के, मतलब पहले से मेरा मतलब ये है कि मतलब ये पहला पार्ट है मेरे कोर्स का। इसके बाद में मैं जो कोर्स लेके आऊंगा वो फुल फ्लेज्ड प्रैक्टिस कोर्स लेके आऊंगा, राइट, इस 1 महीने बाद में, है ना। अभी फिलहाल 1 महीने हम इस पे फोकस करेंगे, इन 5 टॉपिक पे। और क्योंकि ग्रामर का रोल बच्चों 200 में से, मैं आप लोगों को बता दूं, 95 100 नंबर के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। इवन स्पेलिंग को अगर मैं मान लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, तो 100 नंबर के क्वेश्चन ग्रामर के आ जाते हैं। और मैं बताऊं आपको कि 75 क्वेश्चन जो है वो आपके क्लोज टेस्ट, जंबल सेंटेंस और रीडिंग स्किल्स से आते हैं ना। तो 175 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपके ग्रामर और रीडिंग स्किल्स में से आते हैं ना। 20 नंबर के जंबल सेंटेंस आएंगे, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपके क्लोज टेस्ट के आएंगे और 30 क्वेश्चन पैसेजेस के आएंगे। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ग्रामर और रीडिंग स्किल्स के सेक्शन पे, रीडिंग स्किल्स पे तो हम काफी लंबे समय से काम करते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट आता है, लेकिन अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। तो वी कैन फोकस ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग 20 क्वेश्चन ऑफ जंबल सेंटेंस एवरी डे, प्रैक्टिसिंग क्लोज टेस्ट एवरी डे, अल्टरनेट डेज पे एक दिन आप जंबल सेंटेंस करो, एक दिन क्लोज टेस्ट करो, एक दिन आप पैसेजेस करो, तो आपका बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, है ना। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी है ना। इसके बाद में एक और कोर्स लेके आऊंगा जिसमें टॉपिक वाइज कराऊंगा, मिसलेनियस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और प्रीवियस ईयर की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये डिटेल प्लान है, इसके बारे में और हम बातचीत करेंगे। मैथ्स आपके अभिनय सर पढ़ाएंगे, कंबाइंड बैच है, कॉम्बो बैच है मैथ्स और इंग्लिश का, इसकी जानकारी जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये बैच जो है 20 मार्च से अभिनय सर का स्टार्ट हो गया, 27 मार्च से मेरा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये कंप्लीट कोर्स ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश फॉर एसएससी सीजीएल मेंस 2019, ठीक है। तो ये बैच है ना। और लेना कैसे है, आप इसका सब्सक्रिप्शन, ये मेरे कोर्स की डिटेल है, मैं आप लोगों को बता दूं, है ना। 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, पहले वर्ब पढ़ेंगे, फिर नॉन इनफाइनाइट वर्ब पे फोकस करेंगे, उसके बाद में प्रापोजिशन, वॉइस, नरेशन, इन पे फोकस करेंगे। बीच बीच में मैंने स्पेशल सेशन डाले हैं जंबल सेंटेंस के, क्लोज टेस्ट के एंड पैसेजेस के, है ना। इसके अलावा मैं कुछ एक और एक आपकी डिमांड पे और एक्स्ट्रा सेशन ले लूंगा जंबल सेंटेंस, क्लोज टेस्ट पे, पैसेजेस पे, ठीक है। कैसे लेना है अनअकैडमी प्लस कोर्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। कैसे लेना है फटाफट से एक बार मैं बता देता हूँ, अगर किसी को ये नजर नहीं आ रही है चीज तो एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो भाई, है ना। तो
हाँ जी, है ना। तो ये डिटेल्स है, 20 मार्च इधर से, 27 मार्च इधर स्टार्ट हो रहा है। ये दो बैच है, मैथ्स अभी नहीं सर, इंग्लिश मैं लेने वाला हूँ 27 मार्च से आप लोगों को। 20 मार्च उनका बैच स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये आपके कंप्लीट डिटेल्स है, और ये मेरे कोर्स के शेड्यूल है, कौन कौन सी क्लास मैं कब कब लेने वाला हूँ, ये शेड्यूल हो गया। अभी अभी इसके ऊपर मैंने बात की थी, कैसे लेना है ये भी हम देख लेते हैं फटाफट से। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है दोस्तों, आपको एसएससी की कैटेगरी को चूज करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और आपको सिर्फ जो है वो बेसिकली 3 महीने का कोर्स लेना है, ठीक है। तो ये 12 महीने का है, लेकिन आपको चूज करना है 3 मंथ्स वाला, है ना। 3 मंथ्स का आप चूज करें, जो कि आपको पड़ेगा 3,000 रुपए का, ये 3,000 रुपीज का है 3 मंथ्स वाला, 3 मंथ 3,000 रुपीज। और इस पे भी आपको डिस्काउंट पड़ जाएगा, ये आपको जो है वो 2,700 रुपए का पड़ जाएगा। ऊपर आपको रेफरल कोड लगाना, हर्ष 11, रेफरल कोड आपसे ऊपर मांगेगा, उस पर लिख करके अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपके 2,700 रुपए का पड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, है ना। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। इंग्लिशर्स नाम से मेरा चैनल है, इसी नाम से मेरा ग्रुप भी है, फेसबुक पे मेरा पेज है और इंस्टा पे भी मेरा पेज है दोस्तों, है ना। तो गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।